हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। मेरी दोस्त घर पे आई थी मुझसे मिलने, तो सोची थोड़ा बाहर चलते हैं, घूम घाम के आते हैं। तो ये बोली चलो खाना खाते हैं, तो मैं बोली चलो ठंड भी बहुत है, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। तो आई हूँ यहाँ पर, तो अब खाना खाऊंगी। हम लोग खाना खाएंगे, यहीं पर हम लोग आए हैं। और ये हमारी दोस्त है, और ये हम लोग का खाना आ गया है। अभी सुबह सुबह का टाइम 11 बज रहा है और बहुत ठंड है बाहर पे, बहुत कोहरा लगा है। तो हम लोग गर्मा गर्म खाना खाएंगे, आप लोग भी आइए खाइए। गाइस, तो हम लोगों ने खाना खा लिया और मेरी दोस्त बोली चलो एक स्टूडियो में, तुम्हें वो बहुत दिन से बुला रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनके दुकान पे जाओ। तो ये मुझे लेके आई है और मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के लिए मैं इतना स्पेशल हूँ और इन लोगों ने मेरा इतना फोटो लगाया है इधर पे। लोकल देखिए मेरा ही फोटो है हर तरफ। अंदर भी है रानी, अंदर में भी फोटो है मेरा। चलिए अंदर भी दिखाते हैं आपको। और ये इनका ये फसल है और वो सर है। और रानी इधर भी है, इधर भी है, आप लोग देख सकते हो। ये मैं हूँ और ये मैं हूँ। हाँ ना, मैं अपने तस्वीर दिखा रही हूँ अपने दोस्तों को। देखिए ये मैं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इतना प्यार और रिस्पेक्ट देख के कि इन्होंने मेरा पिक लगाया है हर तरफ। वो फीलिंग सो ब्लेस्ड। इसमें लिखा है टिकटॉक स्टार। और यहाँ पर आई हूँ तो सोची हूँ जो मम्मी का शादी का बहुत सारा फोटो था, तो बहुत सारा फोटो खराब हो गया, तो जो बचा खुचा है तो मैं सोची इसका फ्रेमिंग करवा देती हूँ मैं। और तो इसका ये बचा रहेगा। ये मेरे पापा है और मेरी मम्मी है, उनका फेस ढका हुआ है, पहले तो ढका हुआ रहता था, तो इसका मैं फ्रेमिंग करवा दे रही हूँ। वहाँ से अब आ गए और हमें संतला खाने का मन है, तो हम लोग जा रहे हैं संतला लेने। उस साइड है, रोड क्रॉस करना पड़ेगा। संतला वो दूर दूर में बिक रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं। ये रोड है, हम लोगों ने हाईवे क्रॉस किया अभी, और यहाँ पर संतला लेने जा रहे हैं। आंटी के हाल एकदम निक छे। रानी कितना लेंगे? 1 kg आंटी, 1 kg ना। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ से एक दूसरे मार्केट में जाएंगे, उसके बाद घर। गाइस बहुत ठंड है, आप देखिए कितना स्पीड चला रहा है। तो ये बोल रही थी कि नहीं मुझे बहुत ठंड लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। देखिए यार, देखिए गाइस, मैं आज उड़ा रही हूँ स्कूटी पे इतना फास्ट, और ये बोल रही कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ठंड है गाइस, हाथ हमारा मुंह का काम नहीं कर रहा है। एक ही बात आगे
गाइस हमें एक फीता लेना है चोटी के लिए, बहुत ज्यादा है ना। तो गाइस हमें एक बाल के लिए फीता लेना है, तो वही फीता लेकर और जाएंगे। बाप रे बहुत ठंड है, देख सकते हैं आप लोग मार्केट कितना डाउन है। मार्केट में ज्यादा भीड़ भी नहीं है ठंड के कारण से। रेड 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 चाहिए, रेड फीता लेंगे हम लोग। मैं पक्के ले लूंगी मैं। यहाँ पर लेंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। बहुत ठंड लगी, हम लोग का हाथ पर काम नहीं कर रहा है, मेरा आँख से आंसू आ रहा है खुद से। तो यहाँ से निकल जाएंगे, फीता लेंगे चोटी के लिए और निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद घर पहुँचेंगे गाइस। अभी हम लोग पुल पर है, जो ये गौशाला महोतरी का पुल है। ठंड होना जरूरी है गाइस, इतना ठंड है। अब हम लोग गांव में एंटर कर दिए गाइस, अब घर पहुंचेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं। लोग बहुत ठंड है गाइस। घर पहुंचने ही वाले हैं गाइस, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सब अपना ऐसे प्यार दीजिए गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लव यू ऑल। रानी तुम बोलना चाहोगी? हाँ, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अभी जाट लग, बहुत ठंड लग रही है। बाय गाइस।